Good afternoon, viewers. Welcome to Putta College KD, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. Sade is academic session de vich assi gal karan ja rahe ha Bachelor of Education yani ki B.Ed de course bare. Is de bare hor jankari den layi mere naal ne Miss Steffi Khurana. Welcome, ma'am. Tum sabse pehle main aapse puchna chahungi ki is course ka objective kya hai, kya maqsad hai is course ka? देखिए बेसिकली जो ये बी एड कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी. ये हमने सुना था कि मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है ये पहले 9 months की थी right. और अब ये एक 2 year प्रोग्राम हो गया है जी, जी. इसमें जो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक मकसद है वो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्यूपल टीचर्स कहते हैं शुरू से ही जिस दिन उनका एडमिशन होता है जी. तो हमारा ये मकसद होता है कि हम अपने प्यूपल टीचर्स को एक बेहतर टीचर बनाएं ताकि जब वो ये 2 साल का प्रोग्राम करके बाहर जाए वो एक अच्छा टीचर बने जी. जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमने अपने इस प्रोग्राम में उनको नए नए एक्सपीरियंसेस देने हैं जी. जिससे वो सारा जान पाए कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है किन चीज़ों को उसने ध्यान में रख के मतलब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है क्योंकि देखिए जब एक क्लास में एक टीचर जब जाता है उसे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मिलते जी, हैं बिल्कुल. कोई तो बहुत गिफ्टेड होते हैं जी, कोई बैकवर्ड है जी, कोई थोड़े स्पेशल स्लो लर्नर्स भी होते हैं स्लो लर्नर्स तो उन सबको उसने किस तरीके से साथ लेके जाना है उनको समझना कैसे ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे बी एड प्रोग्राम का जी, जी. और साथ में ये है कि इसमें हमारा एक ईपीसी सब्जेक्ट होता है जिसमें बेसिकली हम कहते हैं एनहांसिंग द प्रोफेशनल कैपेसिटीज फॉर द स्टूडेंट टीचर्स तो उसमें क्या है कि बच्चे की जो कैपेसिटीज हैं उनको हमने पॉलिश करना है okay. इस तरीके से उनको एनहांस करना है ताकि क्योंकि देखिए एक टीचर जो है जो बनने आया है टीचर स्टूडेंट उसके अंदर वो कैपेसिटीज तो होती ही है जी, जी. उनको हमने उभारना कैसे है कैसे पॉलिश करना ये हमारा मेन मकसद है मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे बी एड प्रोग्राम जी जी तो इसमें आप पढ़ाते कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम ओके तो इसमें हमारा जो बेसिकली 3 curricular एरियाज आ जाते हैं जैसे कि पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन जिसमें 6 courses होते हैं जैसे कि एक तो हम चाइल्डहुड के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है कितने मंथ्स के बच्चे की कितनी ग्रोथ है उसकी मेंटल डेवलपमेंट कितनी होती है कौन कौन से वो वर्ड्स बोलना सीखता है कैसे सीखता है फिर उसमें आ जाती है चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे की साइकोलॉजी क्या है ये सारी चीजें पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के मेंटल लेवल को लेके ही एक टीचर में उसको पढ़ाना होता है तभी उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी फिर उसमें आ जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन एक सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है कि जैसे कि एक क्लास में जब एक टीचर जाता है उसको अलग अलग स्टूडेंट्स का सामना करना पड़ता है जैसे कि कुछ गिफ्टेड होंगे स्लो लर्नर्स हैं और अलग अलग कुछ डिसेबिलिटी के भी स्टूडेंट्स हो जाते हैं लेकिन हमने उनको नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ कैसे लेके एक टीचर ने एक ही क्लास में बिठा के पढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और साथ में आ जाता है जैसे कि करिकुलम एंड पेडागॉजिकल स्टडीज इसमें भी जैसे जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमारे टीचिंग ऑफ साइंस है टीचिंग ऑफ मैथ्स है देखिए जो एक स्टूडेंट है वो कोई एमकॉम है कोई एमएससी है कोई एमए किसी भी लैंग्वेज में है तो हमारा ये है कि बच्चे को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज तो ऑलरेडी है जो उसने पढ़ाना है पर बीएड में है कि हमने पढ़ाना कैसे है किस तरीके से पढ़ाना है वो चीज़ें हम इनको अब सिखाते हैं फिर आ जाता है एंगेजमेंट इन द फील्ड कि एक जब वो रियल क्लासरूम में एक स्टूडेंट जाएगा वो किस तरीके से पढ़ाएगा कौन कौन सी अपनी स्किल्स यूज करेगा ये सब आ जाता है ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं उनको एक पूरा रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करते हैं जी, जी. और इसमें जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि जैसे कि इसमें 6 months का हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जिसमें ये है कि स्टूडेंट जब क्लास में जाएगा उसने स्टूडेंट्स को कैसे फेस करना है कैसे जी, पढ़ाना जी. है कैसे क्वेश्चन पूछना है किस तरीके का क्वेश्चन पूछना है कि बच्चा सही आंसर दे जो हम चाहते हैं बच्चे से निकलवाना right. तो ये हमारा सारा बीएड का स्ट्रक्चर है जी जी मैम ये अक्सर देखा गया है कि देखिए बीएड के इंस्टीट्यूशन तो बहुत है हाँ जी लेकिन एक प्रॉब्लम जो वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वहाँ से वो प्रोग्राम खत्म करते हैं कि दे लैक इन सर्टेन स्किल्स कुछ स्किल्स की उनमें कमी होती है कि जब वो एक्चुअल जॉब इंडस्ट्री में जब जाते हैं वो तो दे आर नॉट एग्जैक्टली रेडी फॉर दैट देर इज सम गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट बिटवीन द करिकुलम
एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. तो यहाँ पर बीजीसी में आप उनको स्पेशल ऐसे कौन सी स्किल्स दे रहे हैं ताकि वो इमीडिएटली इंडस्ट्री रेडी हो एंड दे आर रेडी फॉर देयर जॉब्स. ओके, इसमें क्या है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा बीएड है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसमें देखिए हमने बच्चे को सब सिखा देते हैं कि उसने कौन कौन सी स्किल्स यूज करनी है पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्किल्स कभी भी हम टीच नहीं कर सकते, हमें ट्रेन करना पड़ता है. तो हम माइक्रो स्किल्स की वर्कशॉप्स यहाँ लगाते हैं, क्योंकि जैसे भी हमारा कोर्स जैसे सेकेंड ईयर में ये जाके स्टार्ट होती है इनकी इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो उसमें हमने क्या करना है, पहले इनकी वर्कशॉप लगती है, उनको पूरी माइक्रो स्किल्स के टीचर्स डेमो देते हैं कि ये पर्टिकुलर स्किल आप कैसे यूज करोगे क्लास में, किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को अपने स्किल के थ्रू पढ़ाना है. फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाया जाता है, मैक्रो लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है, कैसे लेसन प्लान करके जाना है. ये तो हो गई जब वो जॉब में एंटर कर जाएंगे कैसे डील करना है. लेकिन जैसे आप पूछ रहे हो कि जॉब के लिए वो कैसे मतलब रेडी होंगे, उसमें हम क्योंकि किसी भी हम इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका हम स्पेशल टाइम उनको हम डिवोट करते हैं अपने टाइम टेबल में कि जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी इंटरव्यू में अपने जो भी उनका इंटरव्यूअर होगा जी, जी. और साथ में उनको पूरा अपना रिज्यूमे बनाना सिखाया जाता है, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है जी. वो हर चीज़ की ट्रेनिंग हम देते हैं ताकि जो हमारा स्टूडेंट है वो कहीं भी किसी से पीछे ना रहे. तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं जॉब्स के लिए ताकि किसी भी तरीके की उन्हें कोई दिक्कत ना आए. जी जी, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. सो आई होप कि बी एड के बारे साडे स्टूडेंट्स नू व्यूअर्स नू आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का इहदा स्ट्रक्चर हुंदा, कि इहदे विच करवाया जाता है, तो किस तरह दी स्किल्स जिहड़ियां ने वो बी जी सी प्रोवाइड करता है ताकि जिहड़े स्टूडेंट्स ने दे आर इमीडिएटली इंडस्ट्री रेडी. So this is Dilraj signing off from Putta College Giri, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. Have a nice weekend. See you on Monday. Thank you. Thank you.